ठीक है बेटा, ओके। चलिए बेटा सेटल होइए, आई काउंट टिल फाइव, सेटल डाउन, जो भी खाना है उसको जल्दी से खाइए। वन टू, दरवाज़ा बंद, एब्सोल्युटली रेडी टू स्टडी, द काउंट ऑफ फाइव, थ्री फोर एंड फाइव। तो टेक्निकल रीजन से थोड़ा सा ग्लिच आ गया बेटा, बट डजेंट मैटर, वी विल स्टिल ट्राई एंड कवर इट अप। आप लोग बेटा सबसे पहली चीज़ जब एग्ज़ाम पेपर देखेंगे तो एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं मैं आपको वो समझाता हूँ श्योर शॉट, जो हर पॉसिबल केस में आएगी। और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको बच्चों को वैसे रिवाइज करवाना नहीं है जैसे स्कूल टाइम पे हुआ करता था कि एक एक पेज आप पलटोगे और आप उसको पढ़ोगे। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आ जाए कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती नहीं आती हैं, नंबर वन। और नंबर टू, जो इम्पॉर्टेंट है और आपको नहीं आता, आप घर पे जाके उसको कवर अप करना शुरू कर दो। और कवर करते हुए अगर आपको समझ में नहीं आता है, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू गेट इन टच विथ मी अगेन, राइट। तो सबसे पहले जो आपका पेपर आएगा बच्चे, योर क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी फॉर 40 मार्क्स एंड देयर वुड बी फाइव क्वेश्चंस इन इट, जिसमें से आपको चार सवाल करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, पहले क्वेश्चन के बाद चार सवाल में से आपको तीन सवाल करने हैं। उन चार सवालों को इंस्टीट्यूट बहुत इंटेलिजेंटली सेट करता है, जिससे आप किसी भी मेजर चंक चैप्टर को छोड़कर एग्जाम अटेम्प्ट करो तो आपका मार्क्स का लॉस हो। यू कैन नॉट बी सुपर स्मार्ट विद द इंस्टीट्यूट। तो आपको करिकुलम 80-90% तो कवर करना ही पड़ेगा मार्क्स स्कोर करने के लिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा, इस बार भी मुझे ऐसा लगता है, इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ए एंड वन बी। Your first question is going to be a reading comprehension. This reading comprehension would be a 5-mark question. And this reading comprehension would be of these two types. First is going to be a case. Second is going to be an article. Ya to case hoga, ya to article. अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यू एन ए होंगे, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, या एक एक नंबर के पांच सवाल, जो भी हो, बट दे जस्ट गोइंग टू हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर यू। अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो तीन नंबर के क्यू एन ए होंगे और दो नंबर की समरी। सबसे पहले आपको सवाल जाकर एनालाइज करना है कि केस बेस्ड आया है या समरी बेस्ड आया है। अगर केस बेस्ड सवाल आया है तो आप अपने क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में से कीवर्ड को उठाएंगे जो उस क्वेश्चन को कैरेक्टर देता है, जो उस क्वेश्चन को नेचर देता है। जैसे एक सवाल आता है आपको, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द एट्रिशन प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर दो वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, पहला है रिड्यूस और दूसरा है एट्रिशन। अब आपको पूरे आर्टिकल में जाकर ढूंढना है कि एक सेंटेंस में कहां पर उसने रिड्यूस और एट्रिशन साथ में यूज किया। जरूरी नहीं है कि रिड्यूस वर्ड यूज किया है तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड ऊपर रिड्यूस मिल जाए, हो सकता है आपको सिनोनिमस मिल जाए। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको सवाल आता है व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द एट्रिशन प्रॉब्लम, और जब आप आर्टिकल जाके पढ़ते हो तो रिड्यूस वर्ड है ही नहीं, रिड्यूस के जाकर आपको वर्ड दिया हुआ है कंट्रोल। तो आपको इतना विजडम यूज करना है कि रिड्यूस और कंट्रोल एक ही चीज हो, और आपको 99% ऑफ द केसेस में ये चीज समझ में आ जाएगी। या एड्रेस वर्ड यूज किया आपने, सर हमें समझ में कैसे आएगा, आप ये देखना एट्रिशन वर्ड कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, और एट्रिशन वर्ड के साथ में फिर आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन लगाना पड़ेगा कहाँ पर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है कि ये आंसर हो सकता है। अगर वहां पर आपको दो लाइंस मिल गई जहां पर एट्रिशन है,
और यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है सॉल्व, राइट, और यहां पे वर्ड दिया हुआ है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम वाला आंसर नहीं है, आंसर क्या है सॉल्व। आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सर अगर हमको सवाल समरी बेस्ड आ गया, तो अगर आपको सवाल समरी बेस्ड आ गया तो आप कीवर्ड्स ढूंढो। कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन पढ़ो, वो भी इन एनी केस पढ़ रहे थे आप, लेकिन अब आपकी पढ़ने की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती करोगे एक बार इसके लिए पढ़ना और एक बार इसके लिए पढ़ना, आप पूरे आर्टिकल को दो बार नहीं पढ़ सकते। रीज़न क्या है? आप बहुत स्ट्रांग टाइम फ्रेम में काम करने वाले हो, आपके पास टोटैलिटी में एक नंबर के लिए 1.5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस के लिए। आप अगर अपना पेपर देखोगे तो आपके पेपर में कुछ कुछ सवाल टाइम कंज्यूमिंग होंगे। मैं चैप्टर वाइज नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको, क्योंकि आप इससे ज़्यादातर बच्चे एटलीस्ट 80% 90% पेपर सब्जेक्ट समझ चुके हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल ऐसे बात करूँगा जैसे आप एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के। जो जो अंदर आ जाओ भैया, तुम बाहर से ऐसे मत देखो कि जूम में देख रहे हो, अंदर आ जाओ या उधर चले जाओ। चले गए, अंदर नहीं आए, जूम में देख रहे हो, वाह यार मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जबरदस्त है। एक सेकेंड, जैसे ही मेरी आप लोगों से नजर हटी, अगर आप बात करना शुरू कर देंगे तो वो गलत चीज है। सर आपने फोन क्यों उठाया? मेरे पिताजी का फोन था, इसलिए। मेरे पिताजी कल डंबल्स कर रहे थे तो उनके हाथ में उनको लग रहा है फ्रैक्चर हो गया, थोड़े से चिंतित हैं वो, और मेरे पिताजी चिंतित हैं तो मुझे उनको फोन उठाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आया तो समरी को कैसे आप एड्रेस करोगे, हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, क्योंकि मैं नोट मेकिंग में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अगर समरी बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन में जाओगे, और साथ में आप ये निश्चय करोगे कि आप पूरे आर्टिकल को सिर्फ एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार नहीं पढ़ोगे। अब समरी कैसे बनानी है, बहुत ध्यान सुनना। समरी का लॉजिक है 25% ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल। मैं आपसे बात कर रहा था कुछ कुछ आपके सवाल होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग सवाल होंगे, एक सवाल होगा समरी, अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है तो। सेकंड सवाल जो होगा टाइम कंज्यूमिंग वो होगा प्रेसी। तीसरा सवाल जो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो होगा नोट मेकिंग, और चौथा सवाल जो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो होगा आर्टिकल या रिपोर्ट, और पांचवा सवाल जो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो होगा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मुझे ऐसा लगता है आपको लेटर आएगा या आपको रिज्यूम आएगा, इंस्टीट्यूट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, करनी भी चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने ओवर द इयर्स आपके राइटिंग लोड को बढ़ा दिया है। यहाँ पर पहले एक ईमेल 5 नंबर का आता था, अब वो एक ईमेल 5 नंबर के आने की संभावना होती थी, अब वो एक ईमेल 2 नंबर का आता है। जहाँ पर एक रिज्यूम एक्सपेक्ट किया जाता था कि 5 नंबर का होगा, वो एक रिज्यूम का सवाल लेटर के सवाल के साथ एनवलप करके दिया जाता है। जहाँ पर आपको 5 नंबर मिलते हैं, इस बार तो 4 नंबर का ही सवाल आया था, 4 नंबर का सवाल, और उसमें आपको एक रिज्यूम भी बनाना है और एक लेटर भी बनाना है, तो आप 10 नंबर की मेहनत कर रहे हो और आपको नंबर मिल रहे हैं 4, तो आप सबसे पहले जब पेपर मिलेगा तो आप एनालाइज कर लेना कौन से सवाल आपका टाइम खाएंगे और कौन से सवाल आपके टाइम बचाएंगे। टाइम बचाने वाले सवाल कौन से होंगे सर? टाइम बचाने वाला सवाल होगा, सुनना बहुत ध्यान से, टाइम बचाने वाले आपके सवाल होंगे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम्युनिकेशन और वोकैबुलरी, 4 चीज़ें।
एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी. कम्युनिकेशन के साथ बेस्ट पार्ट यह होगा कि कम्युनिकेशन का सवाल मैं ऐसा अज्यूम करता हूं सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक एक पार्ट तो रहेगा, हो सकता है फिफ्थ वाले में भी हो, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ में रहेगा रहेगा, और फिफ्थ में भी रहा तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप इन चार में से तीन सवाल अटेम्प्ट करने वाले हो. बहुत ध्यान सुनते रहना, बिल्कुल ऑब्जॉर्व करते रहना, और ये रिकॉर्डिंग भी घर जाके सुन लेना, वापस सुननी हो तो. मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ विश्लेषण करके दे रहा हूँ, पेपर बच्ची के सामने है, बच्ची बोल रही हाँ ऐसे ही हुआ है यार ये तो, और होगा भी ऐसा. बाई गॉड्स ग्रेस वी हैव क्रैक्ड इट कि कैसा पेपर आएगा. अब इंस्टीट्यूट की इच्छा हो कि उनको अलग पेपर देना है तो वो के नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट अगर वो पैटर्न सेम रखती है तो यही पेपर आएगा ऐसा. अब ये चार में से आप तीन सवाल करोगे, और इसमें जो कम्युनिकेशन का सवाल होगा वो दो नंबर का होगा, दो नंबर का एक सवाल, मतलब कुल मिला के कितने, छः नंबर. और छः नंबर के लिए आपको अगर डेढ़ मिनट एक नंबर के लिए मिलेगा तो आपको टेक्निकली 10 मिनट का वक्त इन तीन सवालों को देना चाहिए. लेकिन अगर आप इसको ढंग से लिखते हैं, कम्युनिकेशन का ढंग होता है कि आपने मॉड्यूल की भाषा को एज इट इज लिखा है, लेकिन अगर आप ढंग से लिखते हैं तो आप 5 मिनट के भीतर इन तीन सवालों को कर सकते हो और आपके 5 मिनट बच जाते हैं. ये 5 मिनट जो बचते हैं आप इसको यूज कर लीजिए किसी भी एक टाइम कंज्यूमिंग सवाल के लिए, नोट मेकिंग के लिए, आर्टिकल के लिए, प्रेसी के लिए. ऐसा इंस्टीट्यूट बहुत दरिया दिल है. इंस्टीट्यूट आपको ऐसा टाइम बचाने का मौका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी देगा, और ऐसा का ऐसा आपको टाइम बचाने का मौका वो वोकैबुलरी में भी देगा. तो आपको तीन ऐसे सवाल देगा क्लस्टर्स जिसमें टाइम बचेगा, और आपको वहां पर कुछ ऐसे क्लस्टर्स देगा जिसमें टाइम कंज्यूम होगा. तो यहाँ जो बचेगा वो यहाँ पर यूज हो जाएगा. अगर आप सोचो कि नहीं यार मैं तो हर एक नंबर को 1.5 मिनट दूंगा, और मैं एक्टिव पैसिव का सवाल जो 10 सेकंड में हो जाना चाहिए उसको 1.5 मिनट दूंगा मैं उसको, तो आपका पेपर निश्चित रूप से मिस होगा और आपको सुनने में बहुत खराब लगेगा. बट मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा बच्चे, अगर आपका पेपर छूटेगा तो आपकी पेपर के क्लियर करने की चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगी. आपको पेपर कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से. अब जो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप लोगों को घर पे बैठकर वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए. कुछ बच्चों को मैंने बोला, उन्होंने दिया भी पेपर, उन्होंने मुझे शेयर भी किया. आपका टाइम कंजम्पशन होना चाहिए. असीम सर ने आपको कुछ टाइम का आइडिया दिया होगा, बट मेरे हम्बल ओपिनियन के हिसाब से 110 मिनट मिलने चाहिए लॉ को और 70 मिनट मिलने चाहिए पीसीआर को. 1 घंटा 10 मिनट, 70 मिनट. जहां आपने 70 का 80 किया आपका लॉ छूटेगा, और जहां आपने वहां पर 110 का 120 किया वहां आपका पीसीआर छूटेगा. तो 110 और 70 और 70 मिनट 1 घंटा 10 मिनट बहुत होता है. 1 घंटा 10 मिनट बहुत होता है तब जब आपको एग्जाम में जाकर बहुत ज्यादा विचार ना करना पड़े. तो जितना आपको सोचना कम पड़ेगा आप उतना जल्दी लिख लोगे. सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका एग्जाम में सोचने में, और आपको सोचना नहीं है. यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू प्रोसेस द लीस्ट. ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोचना ही नहीं, कि सर आपने बोला नहीं सोचना तो बिना सोचे लिख कर आ गए, ऐसा नहीं. बट बहुत ज्यादा नहीं सोचना. ऐसा नहीं कि आप प्रेम पत्र लिखने के मोड में चले गए हो आप, और आपने 2 लाइनें लिखी और आप बिस्तर पे लेट गए, 4 बार आपने गुलाटियां खाई, फिर आप उठे, फिर आपने सोचा मैं लिखूंगा, फिर आपने पेन चबाया, फिर उसके बाद आपने एक शब्द लिखा, बोला नहीं 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 नहीं, डोंट डू दैट. प्रोसेस द लिस्ट. तो पहला सवाल आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो 5 नंबर का सवाल है. आपको उसको अगर सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड है, ये चीज आप नोट कर लो प्लीज, अगर वो सिर्फ और सिर्फ केस बेस्ड है तो वो आप 5 मिनट में कंप्लीट कर दो भाई, आप वो 5 मिनट में कंप्लीट कर दो. और अगर आर्टिकल बेस्ड है तो आप 8 मिनट ले लो.
तो आप 8 मिनट ले लो। जब आप आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें समरी है, बहुत ध्यान सुनना, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी रहेगी मैं कीवर्ड्स ढूंढूंगा, ठीक है सर, कीवर्ड्स ढूंढ लिए, अब क्या करूंगा? कीवर्ड ढूंढने के बाद मैं वापस जाऊंगा अपने आर्टिकल पर, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन पढ़ूंगा कैसे? एक तीर से दो निशाने, आप एक बार पढ़ोगे, कीवर्ड भी फाइंड करोगे और समराइजेशन का प्रोसेस भी शुरू कर दोगे। समराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? समराइजेशन का प्रोसेस है ओरिजिनल आर्टिकल का 25%। ओरिजिनल आर्टिकल का 25% मतलब हर चार लाइन के लिए एक लाइन। आप सबसे पहले देख लो कितने पैराग्राफ्स हैं आपके पास। अगर आपके पास चार पैराग्राफ्स हैं तो मैं रूल ऑफ थंब दे रहा हूं आपको, ये 90% केसेस में सही होगा, 10% में गलत होगा, लेकिन जहां पर गलत होगा वहां पर भी 90% सही हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर पैराग्राफ में से दो पॉइंट उठाने हैं, दैट्स इट। हर पैराग्राफ में से दो पॉइंट, किसी में से नहीं उठ पा रहे दो, एक उठ पा रहा है, नो प्रॉब्लम, बट आपकी चेष्टा क्या होगी कि आप उसमें से दो पॉइंट। तो चार पैराग्राफ है तो आठ पॉइंट, आठ पॉइंट मतलब आठ लाइन, आठ लाइन में आपने समरी खत्म कर दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आठ पॉइंट्स। तो अब आप आर्टिकल वाला क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें समरी भी है, आप कीवर्ड ढूंढ रहे हो, लेकिन कीवर्ड ढूंढते ढूंढते हर पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हो। इंस्टीट्यूट आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे मार्किंग नहीं करने देता, तो आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी है। आप मेमोरी यूज करते हैं या पेंसिल से एक डॉट लगा देते हैं, बट जितना हो सके उतना आपको उस चीज को, इंस्टीट्यूट के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को रिस्पेक्ट करना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट चीज देखिए सर, ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया समरी, समरी ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको, कोई इशू तो नहीं है। अब इसके बाद जो सेकंड सवाल आएगा वो होगा नोट मेकिंग, होगा ही होगा, नोट मेकिंग ही होगा। अब नोट मेकिंग में आपको मार्क्स किस किस चीज के मिलेंगे? नोट मेकिंग में आपको मार्क्स मिलेंगे, पहली चीज आपके फॉर्मेट के, दूसरी चीज आपके कंटेंट के, और तीसरी चीज आपके एब्रीविएशन टेबल के, और चौथी चीज, बच्चे घर पे क्लियर है मेरा, और चौथी चीज आपकी समरी के। इंस्टीट्यूट सवाल को बहुत क्लियरली बोलता है, वो बोलता है कि नोट मेकिंग में आपको नोट बनाना है, समरी बनानी है, नोट मेकिंग में वो आपको बोलता है कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज करिए, एब्रीविएशन यूज करिए, इसके 3 मार्क पहले से एलोकेट करके रखते हैं, समरी के 2 मार्क एलोकेट करके रखते हैं। जब आप नोट बनाएंगे तो आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना, और फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले आएगी आपकी हेडिंग, ठीक है जी। हेडिंग के बाद आपकी आएगी सब हेडिंग। अब सब हेडिंग का रूल क्या है सर, जितने पैराग्राफ उतनी सब हेडिंग्स। आपको पैराग्राफ और क्लस्टर ऑफ लाइंस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। पैराग्राफ होता है 6-7 लाइन इकट्ठी होकर पैराग्राफ बनाती है, क्लस्टर का मतलब होता है 2-3 लाइन इकट्ठी होकर पैराग्राफ जैसी दिखती है लेकिन पैराग्राफ होती नहीं है। तो आपको क्लियर होना हो जाना चाहिए कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा क्लस्टर है। अगर आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिख रहा है और उसके नीचे आपको क्लस्टर दिख रहा है, तो आप इस क्लस्टर को इसी पैराग्राफ का हिस्सा मान लीजिए या अगले वाले का हिस्सा मान लीजिए, बट क्लस्टर को पैराग्राफ मत मानिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जाकर 8 सब हेडिंग बना दें। सर कितनी बनाए? मैक्सिमम 4। मिनिमम कितनी बनाए सर? 2। तो 2 से लेके 4, अगेन विद डीप रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ने अपने एक सजेस्टेड आंसर में या एक RTP में सिर्फ एक ही हेडिंग दी बेटा, और बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे कैरी आउट कर दी, जो मुझे बहुत लॉजिकल नहीं लगता, बट जिन्होंने भी उधर सोल्यूशन बनाया शायद उनका उसके पीछे रीज़न होगा, वी रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 कम से कम पार्ट्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्ट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ के मार्क्स ही कितने मिल रहे हैं? 3। तो
अगर आप तीन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर ये 3 मार्क का कुछ ब्रेकअप जैसा पता है क्या सर आपको? पहली बात तो देखो, ब्रेकअप जैसे शब्द मत यूज़ किया करो आप, बच्चे बहुत भयंकर विचलित हो जाते हैं, मुझे भी चाय पीनी पड़ जाएगी थोड़ी सी। एब्रीविएशन टेबल के मार्क्स बताए नहीं है कितने हैं, बट मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसके 1 मार्क होंगे, और फॉर्मेट सही होगा और कंटेंट सही होगा तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। आपके बीच में से एक बच्चा ज़रूर ऐसा होगा जिसके मन में सवाल आएगा कि सर अगर मैं एग्ज़ाम में सिर्फ फॉर्मेट बना के आ जाऊँ तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। आप लोगों से मेरा स्नेह है बहुत ज़्यादा, जिससे स्नेह होता है उसको मार भी सकते हैं, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे पता चल गया कि आप सिर्फ फॉर्मेट बना कर आएँ। मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा और आपके आने वाली 7 नस्लों को भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी बैठा के नोट मेकिंग सिखाऊंगा मैं कि ऐसा नहीं करते बेटा, समझो। तो आप बेटा सब शांत हो जाए, अंश को बात कर रहे हैं, अंश हो गई बेटा बात, ठीक है पढ़ाऊँ आगे, ठीक है बेटा थैंक यू। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे कोई एक बताया था ना मेरे क्लास में आप लोगों को, एक आरजे है वो बहुत बढ़िया लगता है, वो क्रोकोडाइल को लोलोडाइल बोलता है, सुना है आपने लोलोडाइल? तो तुम भी बिल्कुल क्रोकोडाइल टाइप के इंसान हो, ऐसी बात कर रहे हो तुम, लोलोडाइल। तो 2 सब हेडिंग से लेके 4 सब हेडिंग, फॉर्मेट देखिएगा कैसे, ऐसे हेडिंग होगी बीच में, यहाँ पे बेटा बात नहीं, यहाँ सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग के अंदर सब पॉइंट होंगे, और अगर आपको किसी सब पॉइंट के अंदर कोई और पॉइंट बताना है तो सब सब पॉइंट हो जाए। इंस्टीट्यूट आप इसको यूज नहीं करते तो भी गलत नहीं मानता, बट सब हेडिंग तो आपको देनी पड़ेगी बेटा, सब हेडिंग के बाद आपको ये सब पॉइंट्स भी देने ही पड़ेंगे। याद रखिएगा, हेडिंग जो होती है उसको आप कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लेके जाओगे, ठीक है जी? जो आपकी सब हेडिंग्स होती हैं आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ले जा सकते हो, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी इंसान के नाम, किसी जगह के नाम, किसी वस्तु का नाम, दैट इज जिसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, आप किसी प्रॉपर नाउन का एब्रीविएशन क्रिएट नहीं करो। एब्रीविएशन सर कैसे क्रिएट करेंगे? देखो एब्रीविएशन क्रिएट करना आपके ऊपर है। एब्रीवेशन क्रिएट करने का सबसे पहला रूल होता है, अगर कोई यूनिवर्सल चीज़ है, जैसे डॉक्टर है तो DR है, माउंटेन है तो MT है, उस पर दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो नॉर्मली यूज नहीं होता यूनिवर्सल सेंस में, तो मैं उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे करूँगा? जैसे एक वर्ड आता है TDS, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था TDS। रूल नंबर 1 है कि आप फर्स्ट लेटर को और लास्ट लेटर को रिमूव नहीं करोगे, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को मूव नहीं करोगे। सेकंड पार्ट इसका ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट को इंटैक्ट रखने के बाद जो भी वॉवल्स हैं AEIOU को आप हटा सकते हैं, तो आप जैसे इसमें से ई को हटा दोगे, इसमें से आई को हटा दोगे, इसमें से ओ को हटा दोगे, इसमें से एस को, यू को हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा? TDS। आप जब इसको बोलोगे तो आपको आवाज़ वही आएगी जो TDS की है। TDS को इकट्ठा बोलोगे तो क्या आएगा? TDS। और TDS का प्रोनाउंसिएशन क्या है? TDS। तो ये जो वॉवल्स होते हैं ये साउंड नहीं दे पाते, साउंड दे पाते नहीं दे पाते, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ऑनलाइन जाएगा कुछ बोलेंगे नहीं हमको तो साउंड देता है तुमको नहीं देता, तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट। बट आप इस तरीके से हटा सकते हैं, और आपको ऐसे नहीं भी हटाना तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो उसका एब्रीवेशन टेबल नीचे बनेगा। तो सर एब्रीवेशन टेबल हम कैसे करें? पूरा नोट बना लें, नोट बनाने के बाद आखिर में जाकर, आखिर में बच्ची बात भी कर रही, मैं आखिर में यहाँ पर बोल रहा हूँ, प्लीज़ बच्चे बात मत करो, कोशिश करो सुनने की। बिल्कुल, मैंने चश्मा जो बेटा बाहर से मंगवाया है युगांडा से, इसके अंदर दूरबीन लगी हुई है, ये एकदम से दिख जाता है, ऐसा मैं करता हूँ शूई, ऐसे जूम हो रहा है, देखो अनजूम कर दिया मैंने। वापस इस पे ध्यान दीजिए,
सर एब्रीवेशन टेबल कैसे बनाए, पहले पूरा सवाल कर लें और फिर एब्रीवेशन टेबल बनाए? नहीं बेटा, आप जैसे ही कोई एब्रीवेशन यूज करते हो वैसे ही आप जाकर एब्रीवेशन टेबल में उसको नोट कर दो। सर कारण बता दो। सर कारण यह है बेटा कि अगर आप पूरे सवाल होने के बाद फिर एब्रीवेशन टेबल बनाओगे तो आपको पहले तो पूरा आर्टिकल पढ़ना है जिसको आप नोट में कन्वर्ट कर रहे हो, और फिर उसके हो जाने के बाद पूरे नोट को पढ़ना है जिसके एब्रीवेशन को आपको नीचे लिखना है। तो आपको एक रीडिंग अननेसेसरी देनी पड़ेगी और आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक रीडिंग में कम से कम आप 3 मिनट का वक्त निकालोगे। और ऐसे अगर 3 सवाल में आपने ब्लंडर कर दिया तो आपका 10 मिनट का टाइम चले जाएगा, और 10 मिनट का टाइम चला गया मतलब आपका पेपर मिस हो जाएगा। मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, भले आप कितनी भी जोर से उबासी ले लो बट सुनना बहुत ध्यान से। आप मेरे द्वारा बोली गई चीज़ को एक्सपेरिमेंट मत मानो। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है। आप बोलो अरे नहीं यार मैं तो पढ़ूंगा यार, तो मैं तो ऐसे करूँगा जैसे मेरा मन है, गुड लक, और फिर पेपर मिस होगा। एक एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आप बोलो अरे नहीं सर मेरी तो राइटिंग स्पीड ऐसी है सर, मैं लिखता हूँ तो मेरे पेपर में आग लग जाती है सर, चिंगारी निकलती मेरे पेन से, फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाता हूँ मैं एग्जाम में, तो फिर आप अलग इंसान हो। बट अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरा टाइम ऐसे वेस्ट होगा, और 3 सवालों में 3 बार वेस्ट हो गया तो 10 मिनट का वक्त गया, और 10 मिनट इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है, इसी भी पेपर के लिए ज़्यादा है, लेकिन आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा इसको। डॉन समझ में आ गया तुमको? डॉन तुम भूल गई हो, तुम्हारा नाम डॉन है, बच्चे भूल जाते हैं उनका नाम क्या है, मैंने नाम रखा हुआ है आपका। तो दिस इज द नोट वाला पार्ट। अब नोट देखिएगा कैसे, आप इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, अब इस हेडिंग के नीचे दूसरी आएगी तो इधर ही आएगी, मतलब सब हेडिंग जो आएगी इसके नीचे आएगी और जो सब पॉइंट्स होंगे वो इसके नीचे ही आएंगे। ये बात क्लियर है बेटा आपको? कोई इशू तो नहीं है इसमें? अब सर समरी कैसे बनाएं? आप समरी बनाने के लिए वापस आर्टिकल को रीच आउट नहीं करेंगे। किस केस में? नोट मेकिंग के केस। आप समरी बनाएंगे अपने नोट को सेंटेंस में कन्वर्ट करके, दैट्स इट। आप अपने नोट को सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, दैट्स इट। सर समरी में किस किस चीज का ध्यान रखना है? पहली चीज इस केस में, किस केस में? नोट मेकिंग के साथ जब समरी आई है आपको दोबारा समरी को हेडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों नहीं है? क्योंकि आप पहले ही नोट को हेडिंग दे चुके। अच्छा तो सर कितने पार्ट्स में हम समरी को ब्रेक कर सकते हैं? सिर्फ एक पार्ट में रहेगा बेटा, समरी के अंदर 2 पैराग्राफ्स नहीं होंगे, सिर्फ 1 पैराग्राफ होगा। ठीक है सर, और कुछ? समरी के अंदर कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। सर इतने सारे हमने बनाए हैं थोड़ा यूज कर लेते हैं। नहीं बेटा, आपके एब्रीवेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर यूज होंगे? नोट में, और समरी में एब्रीवेशन की कोई भी जगह नहीं है। ये बात क्लियर है सब लोगों को? अब नोट मेकिंग से रिलेटेड कोई सवाल है क्या आपको? कोई इशू तो नहीं है? आप अभी जब घर पे पहुंचेंगे, आज क्या तारीख हो रही है? आज तारीख हो रही है 8। आपका पेपर कब है? 24 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक गुडविल जेस्चर के तहत सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के दूंगा, 2-2 सवाल हर चैप्टर में से। ठीक है, आप कुछ मत करो, बस वो वर्कशीट कर लो तो आपका BCR का 70% पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, 70% पार्ट कवर हो जाएगा। उसकी मैं जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, आप मुझसे एक बार बात कर लेना कि सर आप कब इसको प्रोवाइड करोगे। प्रॉबेबली मैं आपको ये चीज़ मंडे को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, I'll be able to provide it to you on Monday. जो ऑनलाइन बच्चे उनको भी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखिए सर, आफ्टर नोट मेकिंग द नेक्स्ट थिंग जो एग्जाम में आपको आएगी दैट इज प्रेसी। अब प्रेसी आपको एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर क्यों? क्योंकि प्रेसी 5 नंबर का सवाल आता है, टाइम आपसे 5 नंबर के लायक का नहीं लेता, टाइम आपसे लेता है 2 या 2.5-3 नंबर के लायक। 5 मिनट के अंदर आप समरी कंप्लीट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के खुद के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट का इंटेंट है कि बच्चे का टाइम उसमें सेव हो जाए।
कैसे सेव होता है? प्रेसी इज जस्ट लाइक समरी नंबर वन. आप जब प्रेसी लिखोगे, व्हेन यू वुड बी राइटिंग प्रेसी, यू वुड बी रिपीटिंग द वे इन विच यू हैव ऑलरेडी डन योर समरी. आप आर्टिकल पढ़ोगे, आप आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसको सबसे पहले क्या दोगे? हेडिंग दोगे. सर आप मुझे ये बताओ सर, प्रेसी और समरी में डिफरेंस क्या है? आप मेरी बात को वापस विश्वास मानो, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों में कोई डिफरेंशिएशन मत लेकर आओ. प्रैक्टिकल लाइफ में फिर डिफरेंस है, बट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस मत लेकर आओ. आप हेडिंग दो, सिंगल पैराग्राफ चलने दो, सिंगल पैराग्राफ में आप एक भी एब्रीविएशन मत आने दो, और इंश्योर करो कि उस एक सिंगल पैराग्राफ में आपका जो ओरिजिनल आर्टिकल है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएं. सर कैसे पता चलेगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए? वही रूल ऑफ थंब है, अगर तीन पैराग्राफ हैं तो हर पैराग्राफ से दो पॉइंट्स, कितना हो जाएगा? छः, वुड बी सिक्स. क्लियर है बच्चे? तो छः लाइन की प्रेसी बन जाएगी अगर आपके तीन पैराग्राफ्स हैं. चार पैराग्राफ हैं तो आठ लाइन की, और सर दो ही हैं तो चार की, एक पैराग्राफ की आएगी नहीं. पांच पैराग्राफ की मुझे लगता नहीं इंस्टीट्यूट आपको इतना बड़ा सवाल देगा. दे भी दे इंस्टीट्यूट तो आप उसमें फिर दस लाइन करिएगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको पांच पैराग्राफ का कुछ आएगा. ठीक है सर? सर प्रेसी में हम अपनी इच्छा से चीज़ें डाल सकते हैं, आप बिल्कुल डाल सकते हैं चीज़ें अपनी इच्छा से, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कुछ भी अपनी इच्छा से मत डालिएगा उसमें. आपको जो आर्टिकल दिया हुआ आप आर्टिकल के दायरे में रहिएगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग और प्रेसी में आप दायरे को तोड़कर बाहर मत जाइए. ये बात क्लियर है सब लोगों को? अब मैं आपको देखो एक बहुत गुरु ज्ञान देने वाला हूँ मैं आपको भी, बहुत ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को. आप अगर प्रेसी को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट 3.5 से लेकर 4 नंबर दे सकता है, 3.5 से लेकर 4 नंबर. और अगर आपने एवरेज, एवरेज का मतलब है बहुत खराब नहीं, एवरेज लिखा तो आपको इंस्टीट्यूट 2 से लेकर 2.5 नंबर दे देगा. ठीक है सर? सिमिलरली नोट मेकिंग में, अगर आपने नोट मेकिंग में एक एवरेज नोट लिखा है, एवरेज नोट का मतलब है फॉर्मेट पूरा आपने लिखा. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ऐसा ना हो कि आप इसको सुन के पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दें. मैं इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूँ, आप जब नोट मेकिंग करेंगे एक एवरेज नोट बनाएंगे तो इंस्टीट्यूट आपको 3 नंबर देगा. क्यों? क्योंकि उस नोट में एब्रीविएशन टेबल होगा, उस नोट में फॉर्मेट होगा, और उस नोट में समरी भी होगी. मुझे नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि आपने पूरी क्लास अटेंड करी है और आपको समरी समझ में नहीं आती पूरी तरीके से, एब्रीविएशन ही समझ में नहीं आता है, नोट क्या होता है आपको समझ में नहीं आता. कभी नहीं होगा ऐसा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. अगर आप सिर्फ मात्र मेरी क्लास में बैठे हैं, बहुत ह्यूमिलिटी से बोल रहा हूँ मैं, क्लास बैठने भर से मैंने जो लंबा समय आपके साथ बिताया है बहुत दिल से बिताया है, एक एक बच्चे की तरफ मैंने ध्यान दिया. मुझे ऐसा लगता है जहाँ बच्चे ने मक्कारी करी है मैंने जाकर उसको बोला है कि तुम मक्कारी मत करो. बच्चों की कॉपी क्लास के दौरान आकर मैंने बीच में देखी है, चेक करी है तुम, और इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं आप पे प्रेशर चाहता था, मैंने इसलिए करी कि आप पेपर क्लियर कर जाओ. और मैं उस मेहनत पे ट्रस्ट करके बोल रहा हूँ कि आप हो ही नहीं सकता कि नोट मेकिंग में 3 नंबर से कम नंबर लेकर आओ, हो ही नहीं सकता. दैट इज माई अश्योरेंस टू यू. अच्छा लिखोगे तो 3.5-4 नंबर मिल जाएंगे. सर 3 नंबर से क्या होता है? 3 नंबर 60% होते हैं, 60%. आप 60% स्कोर कर रहे हो तो मैं खुश हूँ, 3.5 लेकर 70 कर रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ, 4 आ गए तो फिर तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं. बट आप मान चलो 3.5 इज अ वेरी गुड स्कोर. सर आपको कैसे पता? हमको कैसे पता कि आप सच बोल रहे हो? इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता है कि मैं बच्चों की कॉपियाँ मंगवाता हूँ जब उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद मैं उस कॉपी को एनालाइज करता हूँ, और फिर मैं उस बच्चे के आंसर को चेक करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि बच्चे ने किस लेवल का आंसर लिखा है, और फिर मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से नंबर दिया है. इंस्टीट्यूट आपको इस तरीके से मार्क्स देंगी. मैं ऐसा मानता हूँ, अगर इंस्टीट्यूट मेरी बात सुनकर बुरा मान रहे तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, बट मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि मार्क्स ऐसे दिए जाते हैं. बहुत ख़राब पर इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप गलत हो, एक वर्ड भी गलत है तो इंस्टीट्यूट 0 मार्क्स कर देता है. लेकिन नोट मेकिंग में वो समझता है कि बच्चे की लिमिटेशन है तो उसमें बच्चे को
ढाई नंबर के आसपास, दो नंबर के आसपास देता है, मेहनत को रिस्पेक्ट करता है और दिए गए आंसर की इज्जत करता है। तो मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे क्लास में जो हैं 3 से लेकर 3.5 नंबर लेकर एनी केस आएंगे, सब लोग एनर्जी के साथ लाएंगे, येस और नो, ग्रेट। सिमिलरली प्रेसी में भी ऐसे ही होगा, प्रेसी में कुछ अलग नहीं होगा। प्रेसी नोट मेकिंग से अच्छा क्यों है? क्योंकि नोट मेकिंग में आपको नोट बनाना पड़ता है, नोट मेकिंग में आपको एब्रीविएशन बनानी पड़ती है और फिर आपको समरी लिखनी पड़ती है। प्रेसी में आपको सीधे प्रेसी बनानी मतलब समरी लिखनी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रेसी में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप 3.5 नंबर लेकर आ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ राइटिंग सेक्शन की चीज़ें, बहुत ध्यान से मेरे साथ चलिएगा आप लोग। राइटिंग सेक्शन में पहली चीज़ तो है लेटर। मुझे लेटर के आने के चांसेस लगती हैं। अगर आपको एग्जाम में लेटर आता है तो, अगर इंस्टीट्यूट आपको लेटर देता है तो सबसे पहले आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा आप उन्होंने सवाल क्या दिया है उसको पढ़कर ये समझ जाइएगा कि सवाल का कंटेंट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड इज कंटेंट। अब फॉर्मेट अगर आप सबको याद हो तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा था SDDA SSC CSD, जहां पे एस का मतलब है सेंडर्स एड्रेस, डी का मतलब क्या है डेट डेजिग्नेशन एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एस का मतलब क्या है, सबसे पहले सैल्यूटेशन आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, पहले सैल्यूटेशन आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सी में आएगा कंटेंट। कंटेंट के 3 पार्ट्स बनेंगे, मतलब 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है IBC, इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन। CSD, सी का मतलब होता है क्लोजर, मतलब ये है क्लोजर, और एस का मतलब क्या होता है सिग्नेचर, और डी का मतलब होता है डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। फॉर्मेट क्लियर है सर आप लोगों को? चिट्ठी किस किस प्रकार की आ सकती है? सबसे पहले चिट्ठी आएगी आपको जहां पर आप एक इंक्वायरी भेज रहे हैं, वहां पर उसकी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है बेटा। अगर आपने इंक्वायरी का लेटर लिखा है तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे दिस लेटर इज विथ रेफरेंस टू। हर लेटर कैसे शुरू करोगे, दिस लेटर इज विथ रेफरेंस टू, किसके संदर्भ में, दिस लेटर इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड। एडवर्टीजमेंट आपने पब्लिश किया था उसको देखकर मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूँ आपके लिए। फिर आप उस पैराग्राफ में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि हम कौन हैं, हम भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में से एक हैं और क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हम अपने कंपनी के टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को एक हॉलिडे पैकेज गिफ्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने आपसे चर्चा करी है, फॉर दैट रीजन वी हैव रीच्ड आउट टू यू, ठीक है। क्या हो गया, सब इशू तो नहीं है, घूमने जाने का मन कर रहा है क्या? सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे, फिर आप उनसे सवाल पूछेंगे कि आप मुझे इन 3-4 चीजों पर क्लैरिटी दे दो। आप कभी भी लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेंगे उसमें मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इनडेप्थ मत जाके सोचना शुरू कर देना, जो ऑन द टॉप ऑफ द माइंड आए, लॉजिकल आए, आप वो लिख देना। पैकेज का प्राइस क्या है, पैकेज में डिस्काउंट क्या है, इंक्लूजन क्या है, फूड क्या है, खत्म बात, आगे चलो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, और फिर उसके नीचे लिखना है कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी जल्द मुझे रिस्पांस देंगे, वी एक्सपेक्ट या वी वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड दी रिस्पांस टू दिस इंक्वायरी एट द अर्लीस्ट, जिससे कि हम अपने डिसीजन को जल्द से जल्द ले पाएं, सो दैट वी आर एबल टू डिसाइड टाइमली। गुड स्टॉप, दिस इज लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी के बाद लेटर्स में आता है कि आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस करते हुए आप क्या बोलोगे, दिस लेटर इज विथ रेफरेंस टू, किस संदर्भ में है। मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी, किससे बात हुई थी, मिस्टर XYZ से, और अब मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के साथ आएगा जो भी प्रोडक्ट है, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन और फिर उसकी क्वांटिटी। अब जैसे एक सवाल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है कि एक स्कूल चिट्ठी लिख रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, तो कैसे लेटर लिखेगा, सो दिस लेटर इज विद रेफरेंस टू द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर XYZ, फुल स्टॉप, वी वुड लाइक टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर,
और फॉलोइंग ऑर्डर लिखने के बाद आपने ये टेबल बनाया, टेबल में आपने बैट बॉल ये वो सारी चीज़ें आपने उसमें डाल दी। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उनसे पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट की क्या बात करोगे? एज डिस्कस्ड वी आर ट्रांसफरिंग 50,000 रुपीज इन द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड। बाकी का पैसा प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद द बैलेंस अमाउंट वुड बी डिलीवर्ड, द बैलेंस अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। क्लियर है बेटा? कोई इशू तो नहीं है? एनर्जी डाउन हो रही है क्या आप लोगों की? बेहोश होने वाले हैं क्या आप लोग? कुछ चार पाँच बच्चों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों की नींद बच्चों की खराब हो गई है। ठीक है, पानी पीजिए बेटा। 30 सेकंड का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए। आप इतना मत पीजिएगा कि आपको एक और ब्रेक की आवश्यकता लग जाए। इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए वापस वापस आ जाओ, वापस वापस आ जाओ। राइट, इंक्वायरी हो गई, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आता है कंप्लेंट। तो आप जब कभी भी कंप्लेंट लिखोगे, अच्छा लेटर ऑफ ऑर्डर में सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? लेटर ऑफ ऑर्डर या बल्क ऑर्डर या ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या बल्क ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर लेटर है कंप्लेंट का तो कंप्लेंट के लिए आप क्या लेटर लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या होगा? कंप्लेन्स अगेंस्ट ऑर्डर आई डी एक्स वाई जेड 1, 2, 3। ठीक है, सुना सुना लग रहा है कुछ? याद आ रहा है आपको एक्स वाई जेड 1, 2, 3? वापस लेटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे? 3, 2, 1। बिल्कुल एनर्जी आप रखना बेटा। अभी देखो 10:45 हो चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अगले 40 मिनट में बिल्कुल बम्पर डोज देकर आप लोगों को फ्री करूं। बट आप अगर बेहोश हो जाओगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आप बेहोश हो जाओ, ऐसा तो नहीं है सर। लेकिन आप सोचिए सर, हम पे जिम्मेदारियां हैं सर, हमको किसी से रात रात भर जग कर बात करनी पड़ती है सर, बहुत डिमांडिंग है सर वो। और आजकल गाने भी ऐसे आ गए हैं सर, वो एक्सक्यूजेस गाना है ना, कैंदी सी मैनू चंद तक राह बना दे, चांद तक राह बनवा रही है यार। मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब नासा वाले बेवकूफ हैं, इलॉन मस्क पागल है, और वो ठीक है वहां तक, बट बहन इतनी डिमांडिंग है। तारे ने पसंद मैनू, तारे ने पसंद है मुझे, हेठा सारे लाते, सारे यहां ले आए यार तारे, तो हम आसमान में क्या देखेंगे? हाउ सेल्फिश यार। मैंने गुरिंदर को कॉल करके बोला कि नहीं यार बेटा ये नहीं हो पाएगा, ये जो लड़की है बहुत डिमांडिंग है, ये हमारे घर में नहीं आ सकती। मुझे एपी ने समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन मैंने एपी की एक ना सुनी, और उसके बाद देखो उन्होंने वैसे गाना गाना बंद कर दिए। इज्जत करते ना मेरी यार, मैं उनका वड्डा पुरा हूँ वड्डा। चलिए अब आप कंप्लेंट का जब लेटर लिखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर आई डी एक्स वाई जेड 1, 2, 3। कंप्लेंट लिखेंगे तो याद रखिएगा कंप्लेंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप किस संदर्भ में लिख रहे हैं। सर हमने बोतलें मंगवाई थी 50, इस तारीख तक डिलीवर हो जानी चाहिए थी, डिलीवर नहीं हुई, या बोतलें मंगवाई थी 50, उसमें से 10 खराब निकली, तो या तो डिफेक्टिव है या तो डिलेड है। उसको लिखने के बाद अगले पैराग्राफ में आकर बताइए कि उसकी इस गलती की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशंस, कि तुम्हारी इस गलती की वजह से। जैसे हमने एक सवाल देखा था, स्कूल ने प्रिंटर मंगाए, प्रिंटर खराब आ गए, तो हम बच्चों को नोट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं,
फीस की रसीद नहीं दे पा रहे हैं। हमने एक एसी वाला सवाल देखा था कि हमारा जो ज्वेलरी शोरूम है उसकी ओपनिंग डिले हो चुकी है और इसकी वजह से हमारी गुडविल पर इम्पैक्ट आया है। इम्प्लीकेशन बताने के बाद आप उसको धमकी दोगे कि अगर तुमने ये नहीं किया, क्या धमकी से पहले उसे सोल्यूशन मांगोगे, मुझे सारी बोतलें रिप्लेस चाहिए जो खराब हैं, या जो भी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ इस तारीख तक डिलीवर हो जाना चाहिए, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, और वो हो जाएगी धमकी। क्लियर है बेटा? अब धमकी प्राप्त करने के बाद आप रिस्पॉन्स दोगे, रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेंट, और जब रिस्पॉन्स टू आप कंप्लेंट दोगे, ध्यान सुनिएगा, जब आप रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट दोगे तो उस वक्त पर सबसे पहली चीज आप उनको बोलोगे, सर ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको कंप्लेंट प्राप्त हुई है। दूसरी चीज, सेकंड, आप उनसे माफी मांगेंगे, सॉरी, अपोलोजाइज। तीसरा, उनको रीजन बताओगे कि सर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सर वो लॉजिस्टिक्स वालों के यहाँ थोड़ा स्ट्राइक हो गई थी इसलिए सामान नहीं पहुंच पाया, वो लॉजिस्टिक वाले ने आपके प्रोडक्ट को मिसहैंडल कर लिया इसलिए वो टूट गया सर। और चौथा, उनको सोल्यूशन दोगे कि सर हम इस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे इस तारीख तक। और पांचवा, सोल्यूशन देने के बाद उनको आप देंगे लॉलीपॉप। और लॉलीपॉप का मतलब क्या होता है कि सर आप हमारे इतने फाड़ू कस्टमर हैं, सॉरी, आप हमारे इतने लॉयल कस्टमर हैं। अरे फाड़ू वर्ड क्या होता है, मैं अपने भाइयों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इसलिए मेरे ऐसे शब्द ऐसे हो गए थोड़े, और इसीलिए हम आपको लॉलीपॉप, ओहो, इंसेंटिव देना चाहते हैं, इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। हम आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप इंसेंटिव आप देख लो अपने हिसाब से जो भी हो सकता है। और आखिर में आप उसको बोलोगे, सर हम फिर से क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप हमें फिर से आपसे पैसे कमाने का मौका, ओहो, सेवा करने का मौका देंगे। ठीक है, आप हमें फिर से आपको बेवकूफ बनाने का मौका, क्या हो रहा है, आप हमें फिर से सेवा का मौका देंगे। ठीक है सर, अब नेक्स्ट सवाल है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले को आश्वस्त करना। सेल्स लेटर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेटर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बाद आप सबसे पहले लिखोगे, सर ये हम लेटर लिख रहे हैं रेफरेंस टू दिस दिस ऑर्डर। उसको बताओ ऑर्डर में क्या क्या है, ऑर्डर कब तक डिलीवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में उसको बताओ कि आप उसको किस किस चीज़ से आश्वस्त कर रहे हो, बहुत हाई क्वालिटी है, इतने साल की वारंटी है, आपको डेमो मिल जाएगा। और लास्ट पैराग्राफ में जाके लिखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आए तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमें सेवा करने का मौका प्रदान करते रहेंगे। दिस इज लेटर ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, उधर घर पे सब ठीक है आप लोगों को, कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया, एक बच्ची ने लॉलीपॉप बना के भेज दी, बहुत ऐसे बच्चे बहुत पसंद है मुझे जो लॉलीपॉप बनाते हैं, लेकिन असली वाली बनाए तो और अच्छी लगेगी मुझे, और मेरे तक भेज दें तो फिर तो कोई मतलब बात ही नहीं है कोई। लेकिन अब लॉलीपॉप मिलती नहीं ना मार्केट में यार, एल्बनलीबे वाली यार, एक चॉकलेट वाली आती थी जब मैं छोटा था यार, अभी भी आती है, कहाँ मिलती है, दुकान पे? वाओ वाओ, कोई ऐसी ऊटपटांग बात करता है तो चाय भी नहीं पड़ जाती मुझे। तो उस दुकान से मेरे लिए कुछ दो चार लॉलीपॉप ले आना। चलिए, अब लेटर ऑफ प्रमोशन जल्दी जल्दी करना है इसको। लेटर ऑफ प्रमोशन का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ प्रमोशन का मतलब होता है, सब ठीक है बेटा, लेटर ऑफ प्रमोशन का मतलब होता है कि आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं सामने वाले को अपने किसी प्रोडक्ट, ब्रांड या स्टोर के बारे में बताने के लिए। आप उनको बताइए, सर वी आर वेरी एक्साइटेड। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट में आ जाएगा इंडियाज लार्जेस्ट ज्वेलरी स्टोर नाउ इन इंदौर, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक नाउ इन महालक्ष्मी नगर,
जिसको पढ़कर इंसान को लगना चाहिए कि उसके जीवन में उमंग आ गई है, ऐसा होना चाहिए उसको, यार जीवन बदल गया उसका बिल्कुल, जबकि हुआ कुछ नहीं उसके साथ, उसको भोंदू बना रहे हो आप। फिर उसके बाद आप लिखोगे दिस लेटर वी आर एक्साइटेड, दिस लेटर इज विद रेफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वी आर एक्साइटेड, खुशी से पागल हो रहे हैं, पागल हो गए हम, क्या बताते हुए कि आपके घर के पास SBI खुल गया है। सोचो आप कितना बड़ा झूठ है यार ये, कि आपके घर वाले बिल्कुल नाच गा रहे हैं और पूछो क्या हो गया मम्मी, बेटा SBI खुल गया, ऐसा होता है क्या? पर ठीक है आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये मतलब हर मार्केटिंग वाला आदमी एक्सपेक्ट करता है। और वो रेडियो पे आप ऐड नहीं सुनते हो, शर्मा जी आप अपनी बेटी को IIT की कोचिंग कहाँ से करा रहे हैं? मेरे घर के पास अगर ऐसा शर्मा जी रहता हो ना यार, मैं अपने घर वालों को मिलने नहीं दूं ऐसे शर्मा जी से, मतलब इतना बेकार ऐड बनाया यार उन्होंने, कुछ कछु सोचते नहीं सोचते ऐड बनाने से पहले। हमारे ऐड देखो कितने अच्छे हैं, नाटा के ऐड सुने आपने? सिंपल, थिंक CA थिंक नाटा, थिंक CS थिंक नाटा, 35 साल से पढ़ा रहे हैं यार, कुछ फालतू की बात नहीं करते, सच हम पढ़ाएंगे, आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे, दैट्स इट। कुछ उठपटांग ऐड नहीं आता हमारा, बिल्कुल सिंपल ऐड आता है, सिंप्लीफाइड। चलिए आपस में आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, मैं अगली रिवीजन क्लास से पत्थर लेकर आऊंगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? छी 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 छी, पत्थर लेकर आऊंगा, पत्थर लेके चले जाऊंगा वापस, कुछ कुछ नहीं करूंगा मैं। अब लेटर ऑफ प्रमोशन में कोई प्रोडक्ट नया आ रहा है, कोई ब्रांड नया आ रहा है, कोई स्टोर नया आ रहा है, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर क्या करना है सर? उसके बाद आपको उनको बताना है कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, स्टोर के फीचर्स क्या हैं, 24 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, जो भी आपको ऐसी चीज़ें लगती है, USP ऑफ द स्टोर, USP ऑफ द प्रोडक्ट बताएंगे। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के एक नया पैराग्राफ लिखेंगे, और उस पैराग्राफ में जाके क्या लिख देंगे आप लोग, उस पैराग्राफ में कोई स्पेशल ऑफर दे देंगे कि पहले 100 कस्टमर्स को हम ये दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, जो भी आपको लगता है, एक पे एक बर्गर फ्री दे रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हो तो डेबिट कार्ड फ्री दे रहे हैं, जो भी आपको लगता है लॉजिकल। लास्ट क्या है? लेटर ऑफ रिकवरी। सर ये क्या होता है? लेटर ऑफ रिकवरी का मतलब होता है लोगों से वापस पैसे मांगना, या ऐसी चीज़ के पैसे मांग लेना जिस पे सामने वाले ने आपसे उधार पर परचेज किया है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या लिखोगे? पेंडिंग ड्यूज, डिफॉल्ट अगेंस्ट, लोन ID, ये। तो पेंडिंग ड्यूज हो गया, या आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट, ऑर्डर ID XYZ123। फिर आप एक लाइन छोड़ के जाके लिखोगे भैया ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपने हमसे कुछ सामान खरीदा था, उसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं, या आपने हमसे एक लोन लिया था और लोन के कंडीशंस के हिसाब से आपको इस तारीख तक पैसे वापस कर देने चाहिए, लेकिन अभी तक पैसे वापस नहीं आए हैं। उसी में जाके लिखिए इस तारीख तक पैसे वापस आ जाने चाहिए। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिए अगर इस तारीख तक पैसे नहीं आए तो हमको आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना पड़ जाएगा, और कृपया कर अगर ये लेटर आपको मिल गया है तो आप इस लेटर की प्राप्ति को अक्नॉलेज कर दें, काइंडली अक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दिस। ठीक है बच्चे, कंटेंट ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपकी ईमेल आएगी तो ईमेल में आपको ध्यान कर रखना, ईमेल में आपका फॉर्मेट हो जाता है TCS, जहाँ पे T का मतलब क्या होता है? टू, E का मतलब होता है CC, S का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर आपको ईमेल लिखना आता है और आपके पास ऑप्शन है कि आप ईमेल लिख सकते हो तो आप ईमेल लिखना, क्योंकि ईमेल में टाइम कम लगता है। इंस्टीट्यूट ने इस बार, मतलब जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है, ईमेल 2 नंबर का दिया था, देखो 2 नंबर का ईमेल आया था, 2 नंबर है ना, मॉक टेस्ट में भी 2 नंबर का आया था, मॉक टेस्ट में 5 का दिया, इसमें कितना दिया? ये मॉक टेस्ट पेपर है, ऑलराइट। तो लास्ट टाइम उन्होंने 2 नंबर का दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत छोटा कंटेंट होता है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। टू में आप एक ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी कभी कैपिटल में नहीं होगी, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। सर हम ऐसी ईमेल आईडी लिख देंगे, प्रतीक स्टार @gmail.com,
लिख दो सर, लिख दें, हाँ लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं सर फिर नहीं लिखना, सॉरी, आप तो सिंपल ईमेल आईडी लिख दो, ABC XYZ PQR, कितने सारे शब्द हैं, किसी को भी तीन को इकट्ठा करो और नाम बना दो। सर CC भी लिखना है, CC तब नहीं लिखना है जब ईमेल इनफॉर्मल है। सर इनफॉर्मल ईमेल ये क्या होता है? अगर आपको ईमेल लिखना है अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तो आप उसको CC मार्क नहीं करोगे। सर आपने क्लास में हमें एक चीज़ और बताई थी, सर लगता है भूल गए, पढ़ाई करके नहीं आए हो घर से, नहीं याद आ गया मुझे, BCC लिखें क्या? मत लिखो, टू लिखो, CC लिखो, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट वैसा का वैसा लिखो जैसे लेटर का लिखते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप कंटेंट लिखो। कंटेंट कितने पार्ट में होगा? देखो ईमेल का कंटेंट आप दो पार्ट में भी कर सकते हो, सिर्फ दो पैराग्राफ्स। आप लेटर जब लिखोगे तो लेटर कितने पार्ट्स में होगा? तीन पैराग्राफ, ठीक है सर, थ्री पैराग्राफ्स फॉर लेटर, ईमेल इज फॉर टू पैराग्राफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर ईमेल आएगा तो ईमेल कम नंबर का आएगा, ईमेल ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, ठीक है सर। ईमेल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता मैं, मीटिंग्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मीटिंग्स में अगर आपको सवाल आएगा तो एक सवाल आ सकता है आपको एजेंडा लिखने का, क्या लिखने का? एजेंडा। एजेंडा लिखते हुए आपको सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना है TTASD, जहाँ पे पहले टी का मतलब क्या होता है? टाइम। दूसरे टी का मतलब होता है टॉपिक। ए का मतलब होता है अटेंडीज। एस का मतलब होता है स्पीकर। डी का मतलब होता है ड्यूरेशन। सिंपल रूल फॉलो करोगे, ओपन करोगे आप इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन के बाद दो पॉइंट्स आएंगे टेक्निकल, उसके बाद आएगा टी ब्रेक। सर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हमको मिलेगा क्या? नो सर, टी ब्रेक नहीं मिलेगा, नो आपको नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? क्लास छोटी ना बेटा तुम्हारी आज, और टी ब्रेक के बाद दो टेक्निकल पॉइंट्स और, ठीक है। इन दो टेक्निकल पॉइंट्स के बाद आप जाके लिखोगे ओपन हाउस, और फिर क्या जाके लिखोगे? थैंक यू नोट। तो टी ब्रेक के पहले दो टेक्निकल पॉइंट्स और टी ब्रेक के नीचे दो टेक्निकल पॉइंट्स। वो बचपन में हमने एक पहेली सुनी थी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने? वेरी नाइस। सर क्यों बोला आपने ये? टी ब्रेक के आगे दो टेक्निकल पॉइंट, टी ब्रेक के पीछे दो टेक्निकल पॉइंट, आगे टेक्निकल पॉइंट, पीछे टेक्निकल पॉइंट, बोलो कितने टेक्निकल पॉइंट? चार ठीक है जी। सर टेक्निकल पॉइंट में क्या लिखें? सर बहुत सीरियस मत हो जाना आप लोग, मतलब इतना सीरियस तो रहना कि मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो क्लास में पढ़ लेना, लेकिन इतना सीरियस मत होना कि बहुत टेक्निकल पॉइंट लिखने के चक्कर में आप एक दूसरी दुनिया में ही चले गए हो। सिंपल पॉइंट्स लिख देना यहाँ पर, इंस्टीट्यूट आपसे आपके फॉर्मेट को समझने की क्षमता और क्या आप एक एजेंडा के कंसेप्ट को समझते हो उसको चेक करना चाहती है इसके थ्रू। तो TTASD, टाइम हो गया, टॉपिक हो गया, अटेंडीज में आपके लिखोगे नेम ऑफ अटेंडीज, नेम ऑफ अटेंडीज। सर अगर हमारे पास एग्जाम में टाइम है तो आप सब में नेम ऑफ अटेंडीज लिख देना, टाइम नहीं है अगर तो जो स्टूडेंट एसोसिएशन के सबसे इज्जतदार मेंबर ने इन्वेंशन किया था। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर देना, लेकिन इसको आप अवॉइड करना। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा नेम ऑफ अटेंडीज लिखना, और अगर नहीं टाइम नहीं है, समझ में आ रहा है कि यार पेपर छूट जाएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आप फिर इसको यूज़ कर लो एग्जाम में। प्लीज़ बच्चे एक एनालॉग वॉच, जैसे मैंने घड़ी पहनी हुई है सुई काटे वाली, नॉन डिजिटल वॉच पहन के जाइएगा जाइएगा, आज से रोज़ पहनना शुरू कर दीजिए। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा उससे हमें? आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास हर सवाल के बाद कितना टाइम बचा, आप रीअसेस कर पाओगे। तो आप सब प्लीज़ घड़ी परचेज कर लो जाकर, 200-300 रुपए वाली ही खरीद लेना। ऐसा नहीं अपने घर से तुमने 50-60 हज़ार रुपये मंगवा लिए कि प्रतीक ने बोला घड़ी चाहिए, वो तो घड़ी तुम लोग दिला रहे हो ना मुझको। कहाँ है वो बैच जो घड़ी दिला रहा था मुझे? तुम्हारा है ना बैच है? रोहित, रोहित ही पीछे देख रहा है। रोहित तो मुझे ओमेगा की घड़ी दिला रहे हो जो 660,000 रुपये की आ रही है मात्र, मात्र, याद है ना? क्या तुम्हें याद है? रोहित प्लीज यार ऐसे धोखा मत दे देना तुम मुझे।
ठीक है, अभी ठीक क्लास के बाद जाएंगे और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा बच्चा है रोहित, रोहित बहुत अच्छा बच्चा है। और रोहित बोल रहा है सर आपको मेरी कसम है आप मुझसे इस बारे में आगे बात नहीं करोगे, आप मुझसे घड़ी स्वीकार करोगे? कर लूंगा बेटा मैं, दिल पे पत्थर रखकर बच्चों से गिफ्ट नहीं लेता मैं, लेकिन तुमसे ले लूंगा मैं। बहुत अच्छा बच्चा। वो बच्ची बोल रही सर आप मुझसे भी गिफ्ट ले लो, मैं तुमसे भी ले लूंगा बेटा। एक घड़ी और पसंद आई है मुझे उस दुकान पे, रोहित इस बच्ची को भी लेके जाना राजा, ठीक है? चलिए, तो दैट इज एजेंडा। एजेंडा लिखते हुए आप यहां पर स्पीकर के नाम में आप नेम ऑफ द स्पीकर लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने नेम ऑफ द स्पीकर लिखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप नेम ऑफ द स्पीकर की जगह मिस्टर ए और उनका डेजिग्नेशन लिख, ठीक है राजा? सर क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपको एजेंडा भी लिखने को दे दे और मिनट्स भी लिखने को दे दे। अगर एजेंडा और मिनट्स दोनों आ गया तो आपको मिनट्स लिखने के वक्त चुप, रोहित तुम ही हो, ये क्या हो गया है तुमको, तुम कॉल कर रहे हो क्या दुकान पर कि घड़ी अलग करके रखो, चुप हो जाओ बिल्कुल। अगर आपको मिनट्स लिखने के लिए आया तो मिनट्स लिखने में आपको नाम सोचने पड़ जाएंगे और फिर आप वक्त खराब करोगे। अगर आपको अकेला सवाल आया है, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा आया है, तो आप नेम ऑफ द स्पीकर लिख सकते। आपको उसमें दिख रहा है कि नीचे मिनट्स भी लिखने हैं, 3+2 मार्क्स का आ गया, जबकि आज तक ऐसा नहीं आया है कभी, तो आप साथ में नेम ऑफ द स्पीकर में सामने वाले का नाम और डेजिग्नेशन भी लिख दीजिए। क्लियर है सबको बात? अगर आप नेम ऑफ द स्पीकर लिखते हो, सिर्फ नेम ऑफ द स्पीकर, तो आपके लिए सबसे टेक्निकल चीज हो जाएगी टॉपिक्स को सोचना, और आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी टॉपिक को सोचने में। अगर आपको सीए फर्म के बारे में लिखा है तो सीए फर्म से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज हो सकती है, आप बोले को नहीं याद आ रहा, तो किसी भी एक बिजनेस से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज हो सकती है, नई ब्रांच खोल रहे हो, नए लोग हायर कर रहे हो, सैलरी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, ऐसी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको? दिक्कत है क्या? ठीक है सर। एजेंडा के बाद नेक्स्ट क्या आता है? मिनट्स। मिनट्स का फॉर्मेट क्या है? पेज के लेफ्ट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? मिनट्स। मिनट्स के बाद नीचे क्या लिखेंगे? डेट। डेट लिख देंगे जो भी है। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे? पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट। पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट कौन कौन से होंगे? पार्टिसिपेंट प्रेजेंट्स ये जो स्पीकर वाले थे वो लिख दीजिएगा अगर आपको मिक्स आ गया, नहीं तो फिर आप ABCDEF कर दीजिएगा। साथ में डेजिग्नेशन लिखनी है क्या? डेजिग्नेशन भी लिख दें तो आप, अच्छी बात है, ठीक है सर। अब पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट होने के बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई। मीटिंग स्टार्टेड एट 10:15 बजे, 10:30 बजे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आप टेक्निकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। लेट्स से सबसे पहले किसी इंसान ने बात करी कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, तो आप यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे? मिस्टर ए डिस्कस्ड। वर्ड क्या है? डिस्कस्ड। डिस्कस्ड अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्कस्ड के अलावा और कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? गेव अ प्रेजेंटेशन, या आप तीसरा की यूज कर सकते हैं स्पोक अबाउट। डिस्कस्ड, गेव अ प्रेजेंटेशन या स्पोक अबाउट। ऐसी दो चीजें लिखने के बाद आपका टी ब्रेक आ जाएगा। दो टेक्निकल्स के बाद टी ब्रेक है। आप टी ब्रेक को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब आपने यहाँ पे शुरू किया पार्टिसिपेट्स प्रेजेंट, आपने यहाँ पे लिखा कि मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपने पहला टेक्निकल पॉइंट लिखा, यहाँ पर आपने दूसरा टेक्निकल पॉइंट लिखा, फिर आप टी ब्रेक नहीं लिखेंगे, फिर आप सीधे किस पे चले जाएंगे? टेक्निकल पॉइंट 3 पर, टेक्निकल पॉइंट 4 पर। किसी एक टेक्निकल पॉइंट के बीच में आकर अप्रिसिएशन वाला पॉइंट डाल दीजिएगा, दैट द मेंबर्स अप्रिशिएटेड द पॉइंट प्रेजेंटेड। सर अप्रिशिएटेड वर्ड के अलावा कोई वर्ड लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। कौन सा वर्ड है बताइए? अपलोडेड। कौन सा वर्ड लिखेंगे? अपलोडेड। सर कितनी बार लिखें? मिनिमम एक बार, मैक्सिमम 2 बार। सर ज्यादा लिख सकते हैं क्या? फायदा नहीं बेटा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसको लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे मीटिंग अब आप क्लोज कर रहे हैं। मीटिंग क्लोज करने से सबसे पहले क्या होगा? आप ओपन हाउस डिक्लेयर करेंगे। ओपन हाउस वॉज डिक्लेयर्ड बाय द चेयरमैन। फिर उसके बाद क्या होगा? थैंक यू नोट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसी लाइन में, द चेयरमैन डिक्लेयर्ड द ओपन हाउस एंड गेव अ वोट ऑफ थैंक्स। उसके नीचे दो चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी सर? कंक्लूजन्स वर स्टेटेड
और लास्ट चीज एटीआर विल बी सबमिटेड बाय, और वो तारीख देकर आप उसको एंड कर, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा एटीआर। एटीआर में आप पेज के लेफ्ट साइड पे जाके लिख दोगे एक्शन टेकन रिपोर्ट। उसके बाद क्या आएगा मुझे बताइए जरा, डेट आएगी, इसके बाद डेट आ जाएगी। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे और आप लिखोगे एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन, जो मीटिंग होल्ड करेगी इस तारीख को कहां पर, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 30 जून 2022 एट द हेड ऑफिस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड द फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड, ठीक है सर, फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। और उसके बाद आप कितनी चीजें लिखोगे, एक दो या तीन, सब लोग एनर्जी के साथ, एक दो या तीन। यार देखो अगर आप ऐसे जवाब नहीं दोगे तो मुझे लगेगा आपने घर पे पढ़ाई नहीं करी है। बोले सर बिल्कुल सच लग रहा है आपको, यही तो सत्य है सर, हमने घर पे कुछ नहीं किया है इसलिए तो हम आए हैं आज यहाँ पर। कौन बोलो यार, इतनी पढ़ाई करी है हम लोगों ने, तुम ऐसा बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। तीन पॉइंट, एक पॉइंट जो कंप्लीटेड है, एक पॉइंट जो प्रोसेस में है, एक पॉइंट जो आपने अभी तक काम किया ही नहीं है। तो आप लिख दोगे कि हायरिंग ऑफ न्यू मेंबर्स हैज बीन कंप्लीटेड, ट्रेनिंग ऑफ न्यू मेंबर्स इज इन प्रोसेस एंड न्यू सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट। ऐसा लिखने के बाद अब नीचे जो भी इंसान है, जैसे आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है उन्होंने सिमरन तलरेजा, सर आपको मॉड्यूल याद हो गया, मैं पढ़ाता हूँ ना यार, तो मुझे याद है, तुमको याद नहीं तो क्या दिक्कत है। आप एक्स वाई जेड लिख दो और एक्स वाई जेड लिखने के बाद नीचे उनकी डेजिग्नेशन लिख दो, एचआर मैनेजर, ठीक है सर, क्लियर है, कर सकते हैं एटीआर, कोई इशू तो नहीं है सर, एवरीबॉडी इज क्लियर। अब नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सर कौन सी कम्युनिकेशन, ऑफिशियल, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दो चीज़ें आती हैं, पहला क्या आता है सर्कुलर, दूसरा क्या आता है मेमो। सर्कुलर का फॉर्मेट क्या है, सर्कुलर का फॉर्मेट है सर लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कुलर नंबर, ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान जाते हैं। सर्कुलर नंबर के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, डेट, ठीक है सर, ये भी मान जाते हैं। डेट लिखने के बाद पेज के बीच में हेडिंग, ये भी मान जाते हैं। हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और शुरू करेंगे फॉर ऑल एम्प्लॉइज, स्पेशल इफेक्ट है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ज्यादा नहीं करते ऐसे, छोटे होते हुए कुछ हो जाता था, याद आ रहा है आपको, ज्यादा याद नहीं करना है, वैसे ही बहुत पानी पी रहे हो आप लोग। फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और फॉर ऑल एम्प्लॉइज लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट, और फिर अबाउट जिस चीज के भी अबाउट है वो लिख दोगे, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट चेंज इन द ऑफिस टाइमिंग्स व्हिच वुड बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 30th June 2022 फुल स्टॉप। Kindly note the following, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर एक पैराग्राफ, क्या आएगा इस पैराग्राफ में, कि आप ऊपर लिखी हुई चीज़ों को ज़रा सीरियसली लीजिएगा, अगर आपने डिफॉल्ट किया, रिपीट डिफॉल्टर्स को स्ट्रिक्ट एक्शन फेस करना पड़ेगा, और अगर किसी इमरजेंसी, एक और वर्ड कौन सा था इमरजेंसी के अलावा, वेरी नाइस, अगर कोई इमरजेंसी या एक्सीजेंसी हो, एक्सीजेंसी हो तो आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड को सूचित कर दीजिएगा, क्लियर है बच्चे, ठीक है सर। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप उसको एंड कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे किसने लिखा है एक्स वाई जेड और नीचे उसकी डेजिग्नेशन। सर मेमो में क्या आएगा, मेमो सबसे पहले बनेगा लेटर हेड पर, तो ऊपर यहां पर आ जाएगा कंपनी का नाम, दूसरा बोलू भैया आए जरूरी कुछ जरूर बात है, जरूर कुछ जरूरी बात है, क्या आइसक्रीम आ गई है, आइसक्रीम आ चुकी है, पेमेंट में कर रहा हूं, कितना करना है मैं कर रहा हूं, मेरे को गूगल पे है तो बता दे, मैं गूगल पे कर देता हूं, उसका गूगल पे ले ले,
उसको पैसे दे दूँगा, फोन गूगल पे कर रहा हूँ, और 5 मिनट में मैं आइसक्रीम खिलवा देता हूँ, फिर तो छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी यार। आइसक्रीम खाते खाते पढ़ोगे? दुनिया की कोई ताकत आइसक्रीम खाते खाते नहीं बढ़ पाई है। पढ़ लेंगे सर, खिला दो यार भाई इनको, पढ़ाई का क्या है? सुनो मेरी बात, मैं सीरियसली एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से। ये वाला जो पॉइंट है राइटिंग सेक्शन वाला, इसको अगर अभी कंप्लीट कर दूं मैं, और मैं आप लोगों को कल, सुन लेना बस, मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूं, मैं कल आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बुलाऊं, तो आप कल आओगे क्या? आ जाओगे? तो अपन ऐसा करते हैं, 5 मिनट में इसको एंड, राजू भैया आप आइसक्रीम देते रहिए बच्चों को, और अपन 5 मिनट में इसको एंड कर लेते हैं, और आप बढ़िया लुत्फ से आइसक्रीम खाओ, और कल वापस हम लोग मिल जाते हैं, टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? अब दो कैसे बढ़ाई हो सकती है? हाँ बेटा, कल फिर आइसक्रीम। सुनो ना बेटा, मेरी जमीन जायदाद जितनी सब ले लो ना तुम, मैं तो फकीर आदमी हूं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे को मैंने इतना सीरियसली ले लिया है। सुनो मेरी बात, 5 मिनट, 5 मिनट पढ़ लो बस, 5 मिनट पढ़ लो, ध्यान से देखते रहो सामने। तो लेटर हेड पे बनेगा ये, लेटर हेड पर ऊपर नाम आ जाएगा कंपनी का, ठीक है? कंपनी के नाम के बाद एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस के बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, बेटा बस 2 मिनट लूंगा मैं, इसको कंप्लीट कर दूं फिर मैं आई रेस्ट टुडेज क्लास। फिर आप यहां पर लेफ्ट में शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, डी टी एफ आर एस, ठीक है सर? यहां पे डी का मतलब है डेट, टी का मतलब है टू, एफ का मतलब है फ्रॉम, आर का मतलब है रेफरेंस, एस का मतलब है सब्जेक्ट, और यहां पर आप कंटेंट लिखोगे। कंटेंट कैसे लिखोगे? कंटेंट सर ऐसा लिखेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट मिस्टर एक्स वाई जेड हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन हिज इन द फ्रॉड। वी सजेस्ट यू नॉट टू गेट इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद मिस्टर एक्स वाई जेड फुल स्टॉप, द बैंक वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉस। राजू भैया, ये वाला बच्चा दिख रहा है आपको जो च्विंगम खा रहा है उधर देखो, ये जो जो पीछे देख रहा है वही वाला, इसी को आइसक्रीम मत देना बस, पूरी क्लास को बांट देना, इस बच्चे को मत देना, बातूनी इंसान, तू मेरे लिए लॉलीपॉप लेकर आएगा, लेकिन पढ़ ले यार। और इसके बाद आप यहां पे नीचे सेंडर का नाम नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि यहां पे पहले से सेंडर का नाम लिखा। हाँ हाँ, यहां पर आपको लिखना होगा इंटर ऑफिस, ठीक है सर? क्लियर है? अब देखो, अब मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल पढ़ाई के मूड में नहीं बचे हो, बट देखो कल मुझे मिलना है आप लोगों से, तो कल हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करने के लिए और एक्टिव पैसिव को डिस्कस करने के लिए। कितने बजे मिले? मैं लेट मी आस्क यू, आप हाथ नीचे करो और मुंह बंद करो, सिर्फ मुझे यस और नो से समझ में आ जाएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, 8 बजे, 9 बजे, दो ही ऑप्शन है, 8 या 9, तो 9 बजे ठीक है, ठीक है। 9 o'clock कल मिलेंगे हम लोग, 9 to 11 मिलेंगे, और 9 to 11 में हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव पैसिव और वोकैबुलरी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी? चलिए, इंजॉय योर आइसक्रीम, आई विल सी यू टुमारो, बाय, गॉड ब्लेस यू।